हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके नेम इनिशियल्स, उनके जोड़ियक साइंस और क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे, उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो में। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, सो एंड तक देखना अपनी रीडिंग को। और यहाँ पर तीन पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 जजमेंट और पाइल नंबर 3 है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तीनों पाइल्स में से जो भी आपको लगता है कि इसमें आपका आंसर हो सकता है, आप उसे चूज करिए और देन उसी में आपका आंसर होगा। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि गिव अवे चल रहा है चैनल के ऊपर, 11,000 सब्सक्राइबर होते ही तीन लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी। सो द पॉइंट इज के काफ़ी टाइम हो गया है एंड 11,000 के अराउंड ही हम घूम रहे हैं, एग्जैक्ट 11,000 नहीं हुए अभी भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और उसके बाद अनफॉलो मत करो, ताकि वो बने रहे और फिर मैं गिव अवे कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और वो अभी तक फैमिली में बने हुए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड डिटेल रीडिंग होने वाली है, गेट रेडी। और आई होप आपको अच्छी लगती होगी रीडिंग्स देखने के लिए और फीडबैक ज़रूर देना। और आज की पॉजिटिव एफर्मेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हम मैनिफेस्ट करेंगे अपना परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस, जैसे अभी मतलब चाहते हैं, जैसे कि आई मैनिफेस्ट के मेरा जो पार्टनर है वो बहुत हैंडसम हो, हेल्दी हो, सेक्सी हो, गुड लुकिंग हो, रिच हो, अबंडेंट हो, फाइनेंशली स्टेबल हो, शॉर्ट टेम्पर ना हो, यू नो और आई मीन। तो जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट करना है, जस्ट राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक आई मैनिफेस्ट एंड डैश 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 ऐसे करके लिख सकते हो, लाइक आई मैनिफेस्ट माई पार्टनर टू बी वेरी केयरिंग, लविंग एंड हम्बल, आई रियली वॉन्ट दैट। बट उसके अलावा भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मतलब जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमें कोई ऐसा पॉइंट छोड़ने नहीं चाहिए। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, लविंग केयरिंग और सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन जैसे फाइनेंसिस के बारे में सोचते नहीं हो। कल को अगर मान लो आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होती है जिसके पास पैसे नहीं है, तो इट विल बी बर्डन ऑन यू ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि चलो आप पैसों के लिए शादी नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली नहीं भी करनी चाहिए, पर वो बर्डन तो है ही ना खुद के ऊपर। तो इसीलिए जब भी आपको मैनिफेस्ट करना होता है अपने पार्टनर को, तो आपको पूरे पॉइंट्स लिखने चाहिए। मतलब जैसे बहुत सारे लोग लिखकर मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि लिखकर मैनिफेस्ट करने से वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हैं। मैं भी लिखकर ही मैनिफेस्ट करती हूँ मोस्टली। बाकी वैसे तो चलते फिरते बोल देने से भी काम चल जाता है, बट मोस्टली जब मुझे कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना होता है तो मैं भी लिखकर ही मैनिफेस्ट करती हूँ। तो उस टाइम पे आप कोई भी पॉइंट्स कभी भी ना छोड़ें, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और एक छोटा सा सीक्रेट बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जब अपने हस्बैंड के साथ, हम पहले दिन जब एक दूसरे के साथ अकेले थे शादी के बाद, तो पहले दिन नहीं एक्चुअली आई गेस आफ्टर हनीमून हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में, और तब मैंने उन्हें वो पेज ढूंढ के दिखाया था, वो पेज ढूंढ के दिखाया था जहाँ पर मैंने वो सारा मैनिफेस्टेशन किया था कि मेरे फ्यूचर पार्टनर को कैसा होना चाहिए। और मैंने ना वो सारे पॉइंट्स उनको दिखाए थे जो मैंने लिखे थे, एंड मैं उन सबको टिक करी थी, क्योंकि वो सारे ऑब्वियसली उनसे मैच करते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे 2-3 जो कि मुझे फ्यूचर में पता चलेंगे कि मैच करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने पूरा लंबा ऐसे मैनिफेस्ट करके रखा था। और उसके बाद मैंने उनसे वहाँ पे सिग्नेचर करवाए थे उनके, कि फाइनली ही इज़ इन माई लाइफ एंड मेरा मैनिफेस्टेशन कम्प्लीट हो गया है। सो इसीलिए एंड ही वॉज लाइक शॉक्ड लिटरली, कि मैं उनको बिना मिले उनके बारे में इतना कुछ डिटेल में कैसे लिख सकती हूँ। बट डेफिनेटली मैं उनके बारे में नहीं लिख रही थी, मैं सिर्फ उस इंसान के बारे में लिख रही थी जिससे मेरी शादी होनी चाहिए, जैसा पार्टनर मुझे चाहिए। सो दैट वॉज क्रेजी। सो इसलिए जब भी मैनिफेस्ट करो, पूरा लिखो, कोई भी पॉइंट मत छोड़ो, बिकॉज आपको बाद में जरूर लगेगा कि काश ये लिख दिया होता। सो इसीलिए एंड बिलीव योर सेल्फ, आपको जो आप लिखोगे, जो आप चाहोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो सब मिलेगा। सो बिलीव करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। अगर आपने चूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और एक और चीज कहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है गिव अवे की जीतने के लिए। सो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और
यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपने सारे गिव अवे के रूल्स फॉलो कर लिए है, एंड देन 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाएगी। होपफुली कि हम कल ही दिन अनाउंस कर दें, क्योंकि 3-4 ही तो सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं यार, जल्दी से बढ़ा दो, वैसे 3-4 से ज़्यादा बढ़ाना प्लीज एंड थैंक यू। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात करें उनके नेम इनिशियल्स की, तो उनका जो नाम है वो टी से हो सकता है, एच से हो सकता है, पी से हो सकता है, ई से हो सकता है, एस से हो सकता है, अगर मैंने आर नहीं बोला है तो आर से भी हो सकता है, और के से हो सकता है, ए से भी हो सकता है, और वाई से भी हो सकता है। एक्चुअली ये जर्नल रीडिंग है तो इसलिए बहुत सारे नेम इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इन नेम इनिशियल्स वगैरह ना ही बताऊँ, क्योंकि देखो ये चीज़ें ना बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं और जर्नल रीडिंग जाहिर बात है स्पेसिफिक नहीं होती है। तो अगर आपके नेम इनिशियल्स यहाँ पे नहीं भी आ रहे इफ़ इन केस, क्योंकि वैसे तो मैंने इतने सारे बता दिए, आ तो जाने ही चाहिए, जैसे सी भी हो सकता है, सी हो सकता है उनका नाम में, मतलब नाम इनिशियल सी हो सकता है, आ तो जाने ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, अगर वो आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। नेम इनिशियल या जोडिक साइन पे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जोडिक साइन होते हैं वो सिर्फ 4 ही होते हैं, मतलब 4 कैटेगरी होती है बेसिकली कार्ड्स के अंदर, तो उसी से जोडिक साइन पता चलते हैं। तो जब तक रीडिंग स्पेसिफिक ना हो तब तक आपको इन चीज़ों को सिर्फ इतना देखना चाहिए, अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा तो आप रीडिंग सुनिए, रीडिंग आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, और अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं करती तो आप दूसरी पाइल चूज कर सकते हैं या कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं, बट मोस्टली ये करती ही है सबसे मैच, बिकॉज इट्स अ साइंस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि टैरो कार्ड में हम ऐसे ही कार्ड रख के और कुछ भी बोलने लग जाते हैं, इट्स अ साइंस, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ नॉलेज, यू नो इट टू डू इट। सो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एयर साइन हो, फायर साइन हो, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों की जो भी है मतलब जोड़ी होगी ना बहुत ही तूफानी और एकदम धमाकेदार होने वाली है, मतलब ऐसा लगेगा ना अपोजिट अट्रैक्ट, कि दोनों ही लोग एक होता नहीं है, दोनों ही लोग होते हैं, दोनों ही ना मतलब एक आग और एक पानी, बर्फ और पानी जैसा कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पर वैसे मुझे वाटर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा एयर और फायर साइन, मुझे लगता है कि एयर साइन बहुत डोमिनेंट है यहाँ पर, तो वो आपके पार्टनर की साइन हो सकते हैं। एक चीज मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर की, जब आपकी शादी होगी तो आप ट्रैवल करने वाले हो काफ़ी, हो सकता है आपकी शादी आपकी बर्थ प्लेस से दूर हो, या फिर ये हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाओ, अगर आप पहले ही आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो जाहिर बात है अपने नेटिव प्लेस से दूर आपकी शादी होगी, तो शादी आपकी डेफिनेटली दूर होगी। अगर बात करें आपके पार्टनर की तो वो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं तो डेफिनेटली वो हायर पोजीशंस पे रहेंगे, लाइक सीईओ, मैनेजर, इस तरह की उनकी पोजीशंस रहेगी, बेसिकली उनके पास पैसा बहुत होने वाला है और उनकी जान पहचान, नाम, रुतबा, शोहरत बहुत होने वाली है उनकी लाइफ में, बेसिकली पैसे वैसे, खानदान अच्छा होगा उनका। और यहाँ पर ये चीज़ भी दिखती है कि अभी आपके तरफ आने के लिए वो काफ़ी स्लो हैं, बेसिकली अभी शायद आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर अगर आपको मतलब इच्छा है कि कोई लाइफ में आ जाए लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लगता है यहाँ पर कि आपका दिल शायद टूटा है और शायद आप किसी बैड डिवोर्स से भी हो सकता है गुजर रहे हो, दो दो कार्ड है जो ऐसा शो करते हैं कि आपका शायद डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है, या फिर आप उस चीज़ से गुजर रहे हो। सो चलिए जो भी है, दिस इज़ वेरी बैड एक्चुअली, बट जो भी है ये चीज़ जा चुकी है या जाने वाली है और इस चीज़ से आप बाहर निकल आएंगे, ये फॉर श्योर है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर ये चीज़ हो भी रही है ना तो भी आप रिलैक्स कर लो, आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। हर एक की लाइफ में ना ये फेज़ एक बार तो आता ही आता है, और आपको शायद लग रहा हो कि एक बार से ज़्यादा बार आ चुका है, आपका दिल हमेशा टूटता ही रहता है, तो ट्रस्ट मी आजकल सबके साथ ये हो रहा है, आप कोई अलग नहीं हो, बस हमारी थिंकिंग है जो हमें अलग बना सकते दूसरों से, तो थिंक पॉजिटिव इस सिचुएशन में भी, बस बाकी और कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है।
ओके, अगर हम पे बात करें आगे कि आपके पार्टनर आप तक कब पहुंच जाएंगे फाइनली, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि देखो इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आपकी शादी होगी। उससे पहले तो कोई इसको पैसा दिखता नहीं है। इस साल के एंड में भी उन लोगों के लिए शादी का हो सकता है जो लोगों की एज जैसे ज़्यादा हो चुकी है, वो नियर 30s हैं, अपने 30s में हो, लेट 30s में हो, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है। अदरवाइज इस ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको आपका पार्टनर मिलेगा। कि अगर यहाँ पे बात करें कि जैसे मैंने बोला कि शादी जो है वो थोड़ा टाइम बाद ही होगी आपकी, बहुत जल्दी तो नहीं होने वाली, पर देखो जब भी होगी तो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये जाहिर बातें कहता है कि शादी में फ्रेंड्स फैमिली सब इन्वॉल्व होंगे तो सब खुश होंगे। तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों ही तरीके से वो बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे मुझे ऐसा लगता है आपके लिए अरेंज मैरिज होने वाली है, लव का तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन जब भी आपकी शादी होती है तो आपके पेरेंट्स और फैमिली और जो भी फ्रेंड्स वगैरह सबको ही बहुत अच्छा लगेगा ये रिश्ता, सब बहुत खुश होंगे। देखो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यार अरेंज मैरिज तो क्या बोरिंग चीज़ है, अरेंज मैरिज कौन ही करेगा। मैं खुद ये सोचती थी कि मैं करूंगी ना तो लव मैरिज ही करूंगी, और वैसे मेरे को कोई मिला विला हुआ नहीं था, लेकिन था तब भी मेरे को ये लगता था कि नहीं है, मैं तो लव मैरिज करूंगी, और जब मेरे को कोई पसंद आएगा तो तब कर लूंगी, मुझे क्या जल्दी है, मतलब मुझे तो सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली, जो कि मैं थी भी और हूँ भी, बट स्टिल मेरे को लगता था कि वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर जब कोई पार्टनर आ जाएगा ज़िंदगी में, जब लगेगा कि ज़िंदगी इसके साथ बितानी चाहिए तो बिता लेंगे, क्या जल्दी पड़ी है शादी की। और ऐसे ही मेरे को मतलब अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते तो दिखाते रहते थे, पर मेरे को ये लगता था मैं थोड़ी ना ऐसे शादी करने वाली हूँ। और जब मैं अपने होने वाले हस्बैंड से मिली तो मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि माय गॉड कि ये पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मतलब मेरी स्माइल रुक नहीं रही थी उनको देखने के बाद। और जब हम बात कर रहे थे तो हम दोनों के हंसना बंद नहीं हो रहा था, मतलब हम एक दूसरे को से बातें करते वक्त इतने ज़्यादा हंस रहे थे। अभी भी हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं इनको कितने सालों से जानती हूँ। आई एम लाइक सो कम्फर्टेबल विद हिम सो। और इवन मेरी जो फैमिली है वो उनके साथ बहुत कम्फर्टेबल है, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी पूरी फैमिली उनको पसंद करती है, मेरे फ्रेंड्स उनको पसंद करते हैं, एवरी वन इज़ लाइक सो हैप्पी अबाउट हिम। तो ये चीज़ ना बड़ी मुश्किल से ही होती है, और मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे को किसी से प्यार होगा ना तो शायद ये पॉसिबल होगा, ऐसे अरेंज मैरिज में थोड़ी ना पॉसिबल होगा। लेकिन मैं तो बोलूँ तो दैट वॉज लाइक अ क्रश एट फर्स्ट साइड, मतलब मुझे मैंने उनको जब पहली बार देखा था तो क्रश तो काइंड ऑफ हो ही गया था, और ये बात मैं वीडियो में ही बोल रही हूँ, मैंने उनको रियल में तो बोली भी नहीं अब तक। लेकिन हाँ, और उसके बाद जब हम दोनों ने बात करी तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा सा तो प्यार हो ही गया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रही थी वो फीलिंग। एंड अगर मैं उस टाइम पे सिंगल भी होती वो मुझे वैसे भी कहीं मिलते तो भी डेफिनेटली आई एम गोना मैरी हिम ओनली, क्योंकि वो ही इज वेरी नाइस पर्सन, सो आई जस्ट लव हिम एंड दिस इज सो पर्सनल बट आई एम शेयरिंग दिस विद यू बिकॉज लिटरली अरेंज मैरिजेस कैन बी सो ब्यूटिफुल। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमें धीरे धीरे बातें पता चलती हैं तो जिससे प्रॉब्लम हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं आता। कोई लव में भी वही होता है, हम पहले इंसान को बहुत जानने के लिए इतने सारे टाइम लेते हैं और फिर मोस्टली ब्रेकअप भी हो जाता है ना, तो उसी तरीके से अरेंज मैरिजेस भी हैं। इट्स जस्ट लाइक नोइंग दैट पर्सन, बट आपको फिर लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ब्रेकअप करने के लिए बस यही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे अगर बात करें आपके लाइफ के, तो आपको भी इसी तरीके से अरेंज मैरिज में अपना प्यार मिलने वाला है, ये यहाँ पे साफ दिखता है। हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, 1111 11, आपको इस तरह के नंबर हो सकता है दिखाई देते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन कौन से एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं आपको रिपीटेड नंबर दिखाई देते होंगे। हो सकता है 1221 दिखाई देता हो, अमेजिंग। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने बोला कि आपकी शादी जब भी होने वाली है तो बहुत अच्छी होने वाली है, आपके पार्टनर अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, बहुत सपोर्टिव होने वाली है। और मुझे लगता है पार्टनर अगर अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव होना तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है चलो कम से कम एक चीज़ तो सेटल हुई, अब सिर्फ अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देना है। वरना अगर घर में चिक चिक चलती रहना तो पैसों कमाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। सो
ट्रस्ट मी यू गोना हैव अ अंडरस्टैंडिंग, इमेंसली अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लगती है कि जैसे आपके इन लॉज होंगे ना, उसमें भी आपके जो फादर इन लॉ हैं वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं चीज़ों के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं। तो उसकी वजह से ही आपके जो हस्बैंड भी होंगे या वाइफ होंगी जो भी है, मतलब बेसिकली वैसे लड़कियों के लिए ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि वो उनको अपना घर छोड़ के जाना होता है। तो देखो आपके जो फादर इन लॉ है वो खुद इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने सपोर्टिव और ओपन माइंडेड इंसान है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको उनको भी उनका भी वैसा ही नेचर है। और जब भी वो कुछ फिर आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना खुल के, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके फादर मान जाएंगे, तो उस तरह का बहुत माहौल रहने वाला है घर में। बहुत अच्छा बिहेवियर आपके साथ रहेगा, आप दुनिया घूमने वाले हो, एक तो चीज़ है ट्रैवलिंग बहुत करने वाले हो बहुत ही ज़्यादा विद योर पार्टनर, आप और आपके पार्टनर आप दोनों ही मतलब बहुत ट्रैवलिंग करने वाले हो, बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे इधर उधर और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाओगे, ऐसे नहीं फालतू फालतू जगह पे ट्रैवल करने वाले हो कि हर शाम शाम को चले हाथ में हाथ पकड़ के गलियों में। नो नो नॉट दैट ट्रैवलिंग, एक मतलब सीरियसली ट्रैवलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आप एक्सप्लोर करो और आपका दिमाग थोड़ा खुले, आपको ज़्यादा अच्छा लगे ज़िंदगी में, जैसे कि आपने सच में कुछ देखा है, सच में कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस तरह की फीलिंग होनी चाहिए ना ट्रैवलिंग में, तो वो फीलिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जब भी आपकी शादी होगी तो आपके जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो आपको ज़्यादा मिलेंगी और आप बेटर कुछ कर पाओगे। हो सकता है देखो आपके अगर पति के प्रोफेशन की बात करें तो हो सकता है कि उनका खुद का बिजनेस हो, और जैसे मैंने पहले भी बताया हो सकता है कि वो सीए भी हो सकते हैं वो, या फिर अकाउंट्स में मैनेजर वगैरह हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, और भी कोई मतलब ये सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, बेसिकली जो भी होगी उनकी पोजीशन या पैसे वाइज जो भी उनका जो अकाउंट बैंक बैलेंस होगा ना वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और एक चीज़ और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ आफ्टर मैरिज, आपकी शादी के मतलब शादी भी जैसे हो जल्दी जल्दी, जैसे मिले हो फिर शादी हुई, मतलब रोका बोक्का जैसे भी आपके में सेरेमनीज होती हैं, सगाई हुई और शादी होगी फिर टैक्स से, वैसे भी हो सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाओ, कंसीव भी जल्दी कर लो और जल्दी ही आपके घर में नन्नू सा बेबी आ जाए, विच इज़ वेरी क्यूट, एंड आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। और हो सकता है कि आपकी लेट ही मैरिज हो रही है तो आपकी प्लानिंग भी इसी तरीके की हो कि आपको जल्दी ही बेबी करना है, सो इधर वे हैप्पीनेस, ये जो खुशी है ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी अपनी लाइफ में और अपनी शादी में जल्दी से मिल जाएगी ये वाली खुशी भी। ओके अगर उसके बाद अगर बात करें तो वो दिखते कैसे होंगे, तो देखिए कुछ लोगों के लिए तो है कि उनके पार्टनर की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से ना एक की हाइट ज़्यादा लंबी हो और एक की हाइट छोटी हो, या फिर हो सकता है दोनों की हाइट बराबर बराबर सी हो, ये भी हो सकता है। और अगर डिफरेंस होगा तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और अगर हाइट सेम ही होगी तो सेम ही होगी, तो ये चीज़ दिखाई देती है। वैसे आपके पार्टनर हैंडसम होने वाले हैं, अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ भी ब्यूटीफुल होने वाली हैं, काफ़ी हॉट होने वाली हैं लड़कियाँ। तो यहाँ पर अगर लड़कियों की मैं बात करूँ तो एकदम मतलब अलग से होती नहीं है कईयों की पर्सनालिटी के, कितनी भीड़ क्यों ना हो वो अलग से दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो लड़कियां तो वैसी होने वाली है, सुपर अट्रैक्टिव, एकदम फैशनेबल और काफ़ी ज़्यादा यू नो आउटस्पोकन, फन लविंग टाइप की, सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है अच्छा हो, लेकिन गुस्सा भी तेज होने वाला है जो लड़कियाँ हैं ना इस पायल नंबर वन में। और अगर बात करें लड़कों की तो उनका इनका मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हैंडसम है, डेफिनेटली गुड लुकिंग है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है वो एक्सरसाइज वगैरह या अपनी फिजिकल अपने आप को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा रनिंग करना, एक्टिविटीज़ करना, हो सकता कोई गेम्स वगैरह भी खेलते हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हों, लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पेशली हेयर्स बियर्ड इस तरह से बहुत ज़्यादा, वैसे लड़कों का होता भी है, उनको अपने बाल और अपनी बियर्ड वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो वो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। और डेफिनेटली काफ़ी हैंडसम लगेंगे, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगने वाली है, चाहे हाइट मैच करें या ना करें, जोड़ी बहुत कमाल की होगी आप दोनों की। ओके
मैं से देखो बोले कैसे बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे फेयर ही दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, बट स्टिल मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लगती है कि हाँ पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि हम किसी को ऐसे कलर के बेस पे जज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ इस तरह की कन्वर्सेशंस को। बट हालांकि मेरा वो मतलब नहीं है, बट अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, और एक पार्टनर का हो सकता है डस्की कॉम्प्लेक्शन हो या फिर और एक का फेयर हो, ये यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। बट इधर वे इट डजंट इवन मैटर, क्योंकि ब्यूटी इज नॉट अबाउट कलर। उसके अलावा जैसे आप दिखते कैसे, आपकी फिजीक कैसी है, आप एक्टिव कितने हैं, आप हेल्दी कितने हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है, और मुझे भी ये लगता है तो इसीलिए। बट ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, गुड लुकिंग होंगे, सो आई गेस। और उसके बाद अगर बात करें आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना सपोर्टिव और केयरिंग हस्बैंड मिलेगा तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी होने वाली है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो मैनिफेस्ट योर आइडियल फ्यूचर स्पाउस, कि आई मैनिफेस्ट माय फ्यूचर स्पाउस टू बी गुड लुकिंग, हैंडसम, केयरिंग, रिच, जो भी आपको चाहिए आप वो लिख सकते हैं। और गिव अवे चल रहा है चैनल पे, तो जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, थोड़े से फासले से हम दूर हैं। और उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, यहाँ सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना है कि आपने सारे रूल्स फॉलो कर लिए हैं, एंड देन जो भी लकी विनर होंगे उनको 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाएगी। सो जल्दी से ये कर दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड ग्रेट डे एंड एवरीथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने जजमेंट का कार्ड चूज किया था, अगर बात करें कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं, सो यहाँ पर हम बात करते हैं शुरू में इनिशियल्स की और जोड़े एक साइन की। तो इनिशियल्स मुझे लगता है वो हो सकते हैं JUKPDWHMG हो सकता है, P हो सकता है, L हो सकता है, S हो सकता है, R भी हो सकता है, और V भी हो सकता है, ई भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्चुअली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक इनिशियल्स बताना काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होते हैं तो बहुत सारे इनिशियल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। सो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके इनिशियल्स नहीं मैच करते तो भी अगर आपकी रीडिंग मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है, वैसे मैच कर ही जाएंगे, इतने सालों में से कोई तो मैच करेगा ही, ये लगा लो। पर अगर बात करते हैं जोड़ी एक साइन की, तो जोड़ी एक साइन मुझे यहाँ पे वाटर, फायर और अर्थ साइन तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों साइन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है पाइल नंबर 2 के लिए, कि हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो। और एक चीज़ और है यहाँ पर, जो आपके पार्टनर, मतलब बेसिकली पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो तो आप ही को पता है, लेकिन पाइल नंबर 2 में जो लड़कियां हैं उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनसे कोई झूठ बोल के ना बच नहीं सकता, आप फटाक से कैच कर लेते हो, आपसे कोई झूठ बोल रहा होता है ना तो आपको पता चल जाता है, और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपके पार्टनर आपसे कभी झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे नहीं पर वो बोल नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा कि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ये कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंट्यूशन वाले हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो और अब तक आपने अपनी लव मैरिज के लिए कोई जैसे कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया था, मतलब अभी तक जैसे अब हो सकता है अपने पेरेंट्स वगैरह से बात ना करी हो, या फिर अगर बात करी हो तो बात ना बनी हो, और उसके बाद आप जैसे शांति से बैठ गए हो कि चलो देखेंगे जब होगा तब होगा, तो भाई वो टाइम आ चुका है जब आप अपने इस रिश्ते के लिए एक स्टेप ले हो, क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं लेते तो चीज़ें अपने आप नहीं मूव ऑन करने वाली, मतलब अपने आप से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे सोचो कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया है तब भगवान ही कुछ का चमत्कार करेंगे, तो देखो फिलहाल तो भगवान कोई चमत्कार करने के मूड में नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे तो आप मैनिफेस्टेशन करो, चाहे तो आप कुछ और करो, अपने आप को हील कर सकते हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो।
एक चीज मैं बोलूंगी, मैनिफेस्टेशन करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे को तो, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है द मैजिशियन का कार्ड, जब भी आता है ना मेरा तो दिल खुश हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो आप आसानी से उस चीज को पा सकते हो, तो आप मैनिफेस्टेशन करो। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, आप उनको देख सकते हो, आप मेरे से सीख सकते हो मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप बुक कर सकते हो अपने लिए। उसके लिए भी आपको बस स्क्रीन पे जो मैंने ईमेल आईडी दे रखी है और या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और खास करके इस टाइम पे आपका बहुत ही स्ट्रांग फेज चल रहा है मैनिफेस्टेशन का, आपका ऑलरेडी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग रहता है तो आप जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हो फिलहाल के टाइम पे। अगर बात करें यहाँ पर तो आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर बहुत मेहनती और हार्ड वर्किंग होने वाले हैं। आज के टाइम पे भी वो बिलीव करते होंगे हार्ड वर्क के ऊपर। मतलब आजकल के टाइम पे ना दो तरह के लोग होते हैं, हार्ड वर्क वाले और एक स्मार्ट वर्क वाले। आपके पार्टनर हार्ड वर्क वाले हैं, बहुत ही सीधे साधे से, मतलब उनको, मतलब उनकी लाइफ में उनके आसपास के लोग हो सकता है किस तरीके के हों जो उनको गलत राय देते हो, गलत शिक्षा देते हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही दिल के साफ है, बहुत ही ऑनेस्ट है। भगवान का तो हाथ है उनके ऊपर, वो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट और इतने ज़्यादा स्वीट और अच्छे हैं, लेकिन हार्ड वर्क पे जैसे मैंने बोला बहुत बिलीव करते हैं, तो कई बार उनको जो चीज़ें मिलने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो चीज़ों को पा सकें। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको उन चीज़ों को हासिल करने में। यहाँ पे अगर बात करें, एक चीज़ ज़रूर है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्यार पनपता है और वो आगे बढ़ता रहता है और इंटेंसिफाई होता है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से रखने वाले हैं। एक चीज़ और है, आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं। बेशक वो पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन भगवान में ज़रूर मानते होंगे। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, उनको फ्रूट्स वगैरह बहुत पसंद है। मुझे बार बार ना पीचेस दिमाग में आ रहे हैं, हालांकि मुझे आड़ू दिमाग में आ रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं, हो सकता है कि आपको पीचेस पसंद हो या उनको पीचेस पसंद हो, या फिर हो सकता है कि पीचेस आर रिलेटेड टू यू समहाउ और विद देम, या फिर उनको बहुत पसंद हो फ्रूट्स खाने। आई रियली डोंट नो, बट ये आ रहा था तो मैंने बोल दिया। पाइनएप्पल भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद हो, खट्टे मीठे से फ्रूट पसंद होंगे उनको या आपको, इसलिए शायद इतना ज़्यादा दिमाग में आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे बात करें आपके पार्टनर के और नेचर के बारे में, तो जैसे मैंने बोला कि चाहे पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन दिल के इतने साफ हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के बारे में और मैं बोलना चाहूँ, तो अगर फिलहाल जैसे, अच्छा चलो ये बात तो कर ली हमने कि लव मैरिज जिनके होने वाली है उनका तो ठीक है मैंने बता दिया। अगर किसी को अरेंज मैरिज करनी हो, लव मैरिज का नहीं है स्कोप, तो फिलहाल भी देखो अभी तो आपका कोई रिश्ता विश्ता नहीं बनने वाला है। अभी आप देख सकते हो देखने को रिश्ते, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम तक। तो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम से ज़्यादा ही वेट करना पड़े, एक साल दो साल वेट करना पड़ सकता है अच्छे रिश्ते के लिए, और फिर आपकी बात बनेगी। बट कोई बात नहीं, जब भी बनेगी बढ़िया बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला जैसे रिस्पेक्ट करने वाला पार्टनर मिलेगा, ऑनेस्ट पार्टनर मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो पार्टनर ऑनेस्ट हो, अपने दिल के जज्बात आपके सामने एज इट इज़ रखे, प्यार से, बड़े प्यार से ऑनेस्ट वाले, तो बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरा अगर बात करें उनके लुक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है एवरेज हाइट होने वाली आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा तो हाइट लॉन्ग मुझे नहीं दिखाई देती, बिल्ड भी उनका नॉर्मल होगा, एवरेज वेट हो सकता है, एवरेज टू थिन हो सकते हैं, मोटे तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर, और एवरेज टू थिन हो सकते हैं। हेयर्स उनके हो सकता है कि कर्ली हों, और यहाँ पर हो सकता है कि हेयर्स का कलर भी थोड़ा लाइट हो, जैसे कि ब्राउन, मतलब बिल्कुल एकदम डार्क ब्लैक हेयर्स नहीं लगते, हो सकता है ब्राउन कलर हो या फिर लाइट कलर्स के बाल हो उनके। और बालों से बहुत प्यार होने वाला है उनको, अपने बालों का बहुत ध्यान रखते होंगे। हो सकता है आपके भी बाल बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ से बाल है आपके, हो सकता है आपको बालों के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता हो, पर चलो जो भी है ये चीज़ हो सकती है उनकी क्वालिटीज़।
बात करें कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है, तो यहाँ पर जैसे दिखता है कि आपके पति के साथ, आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ तो आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। उसके अलावा इन लॉज के साथ तो कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप ज़्यादा खुश रहोगे, लेकिन हाँ आपका पार्टनर अच्छा होने वाला है, वो बहुत सपोर्ट करने वाला है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको समझेंगे, प्यार देंगे, आप उनको प्यार दोगे, आप उनको समझोगे, वो सब चीज़ें बहुत ही म्यूचुअल है। पर इन लॉज वगैरह के साथ इतनी ज़्यादा बनने नहीं वाली, हो सकता आप न्यूक्लियर ही रहो, उनके साथ रहने की झंझट ही ना होए, लेकिन अगर रहते भी होगे तो जल्दी अलग हो जाओगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं उनके साथ रहने का, वो उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, वो थोड़े ज़्यादा इरिटेटिंग किस्म के होंगे, हालांकि बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट इन लॉज को ना पता नहीं होती तो है थोड़ी सी बीमारी, उनको लगता है कि पता नहीं किसी की लड़की को घर में लेके आए हैं, इसको ना अब बस 24 घंटे अब समझाते रहो कि इसको कैसे जीना है, कैसे मरना भी है, तो भी हमसे पूछ के मरे, रसोई का काम तो खत्म हो जाए ना, उसके बाद मर जाना पता नहीं क्यों। तो इसी तरह का थोड़ा ड्रामा मुझे लग रहा है यहाँ पर इन लॉज के साथ, बट कोई बात नहीं, चीज़ें आपके लिए, आपके पार्टनर आपके साथ में हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो ही जाएंगी, बाकी वैसे भी उनके साथ तो बेहतर है ही। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, 11,000 सब्सक्राइबर होते ही 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो जल्दी से कर लो, और उसके लिए सिंपल सी 2 चीज़ें करनी है मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपने दोनों चीज़ें कर ली हैं, तो 3 जनों को मिलने वाली है फिर फ्री रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्टो ज़रूर करना अपने फ्यूचर स्पाउस को, आपको बस कमेंट सेक्शन में आई मैनिफेस्ट माई पार्टनर टू बी दिस 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 ऐसे ऐसे लिखना है, और थैंक यू बोला यूनिवर्स को, और बहुत खुश रहना है, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने 7 ऑफ वांड्स का कार्ड चूज़ किया था, अगर बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, सो शुरू में मैं बताती हूँ आपको जोडियक साइंस, जो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन बहुत 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 ज़्यादा दिख रहा है, और पाइसेस हो सकते हैं वो, फायर साइन भी दिखाई दे रहा है, बाकी अर्थ साइन तो ओके बहुत ज़्यादा ही है, सो डेफिनेटली वो एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, फायर भी दिखाई दे रहा है, बट जैसे मैंने बोला अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है। ओके यहाँ पर बात करें तो नेम इनिशियल्स की, तो ए हो सकता है उनका नाम, ए से शुरू होता हो, SCWMTP, मतलब टी हो सकता है, पी हो सकता है, और L से भी हो सकता है उनका नाम, और P से भी, अगर P मैंने पहले नहीं बताया तो P से भी हो सकता है उनका नाम, सो ये इनके नाम इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम इनिशियल्स, ओके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, अगर देखो नेम इनिशियल्स नहीं मैच करते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो वो रीडिंग आपके लिए ही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है सो स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं होता कि नेम इनिशियल्स मैच करें ही। अब बात करते हैं आगे कि आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद पहले किसी रिलेशनशिप से मूव मोड़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, किसी रिलेशनशिप में थे पहले और वहाँ से बात नहीं बनी और आप वहाँ से निकल के आ चुके हो, ये हो सकता है, वो पर्सन ने आपको बहुत डिप्रेशन दिया, इनसिक्योरिटी दी, जेलस फील कराया, परेशान किया, आपका खून पिया, साइको थे बिल्कुल बिल्कुल बकवास, तो आपने उनको छोड़ दिया और आपने उनसे मुँह मोड़ लिया, हो सकता है देखो वो भी आपको छोड़ के गए हो, बट जो भी है आपने मूव ऑन कर लिया उस रिलेशनशिप से और बहुत अच्छी बात है, अभी आप स्ट्रांग इंडिपेंडेंट हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो कि पहले नहीं थे। और मैं एक चीज़ बोलूँ, जो पार्टनर को आपने छोड़ा है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो सकता है वो किसी और के साथ भी टाइम पास कर रहे हो, सो मतलब होता है ना कईयों का कि आपके और किसी के साथ टाइम पास करते हैं, मतलब दो जने रखते हैं, दो बंदियों को रखते हैं, दो बंदों को रखते हैं, एक के साथ टाइम पास चल रहा होता है, दूसरे से शादी करने का प्लान होता है, तो उसी तरह के वो पर्सन थे, तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं उनके बारे में। देखो ऐसा बात नहीं है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, बहुत अट्रैक्शन थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी आपके लिए, और तभी वो आपको छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन स्टिल वो पर्सन आपके लायक नहीं थे। चलो अगर अगले पर्सन की बात करें तो अगले पर्सन मुझे ऐसा लगता है आपकी अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की पसंद से होगी, फैमिली उनको बहुत पसंद करेगी, फैमिली ही मिलवाएगी और बहुत अच्छी शादी होगी, मतलब एकदम धांसू किस्म की शादी होगी, खूब पैसा वैसा खर्चा होगा और आप बहुत सुंदर लगोगे एज अ ब्राइड,
और यहाँ पे अगर बात करें तो जॉब की, कि आपके पार्टनर क्या जॉब करते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल 9 to 5 जॉब होने वाली है, ऑफिस में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे नॉर्मल। जब शादी होगी ना तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं कमाते होंगे, लेकिन शादी के बाद काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं आपके जो भी पार्टनर है, और काफ़ी अच्छा करने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में। आपका करियर मुझे ऐसा लगता है या तो स्टेबल है या फिर आप डिसाइडेड है आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, आप मतलब उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो अपने हेड में कि आपको जॉब करनी है, नहीं करनी है, कहाँ करनी है, किस फील्ड में करनी है, वो चीज़ आपका बहुत हद तक डिसाइडेड है। और आपकी फैमिली मुझे लगता है बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है, पैसा बहुत है, तो आप इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करते भी नहीं हो। और अगर बात करें कि आपके पार्टनर कैसे दिखते होंगे, तो वो अच्छे दिखते होंगे, लेकिन आप उनसे ज़्यादा बेटर दिखोगे, वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे, लेकिन आप उनसे और भी ज़्यादा अच्छे दिखोगे। मतलब दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पार्टनर कम ब्यूटीफुल है, बट वो भी अच्छे दिखते होंगे, और एवरेज हाइट होगी, नॉर्मल फिजिक होगी, फेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो फीचर्स होते हैं ना इंसान के, उसकी वजह से उसका लुक है ना वो ज़्यादा डिफाइन होता है कि वो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, कम सुंदर दिख रहा है। बाकी कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वैसे ये भी मैटर करता है, नो डाउट, हाई मतलब हाइट वेट कितना है वो भी मैटर करता है, बट स्टिल अगर फीचर्स सुंदर नहीं होते ना, तो मुंह बड़ा अजीब सा लगता है, तब बंदा सुंदर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। तो उनके ना थोड़े से फीचर थोड़े ऐसे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़े कम सुंदर लगेंगे। आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही मतलब वैसे प्यारी सी नाक है, प्यारी सी चिन्ह है आपकी, सुंदर से होठ हैं आपके, प्यारी प्यारी सी आंखें हैं, आप बहुत ही क्यूट दिखते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो ठीक ठीक दिखेंगे, मतलब आपके सामने ठीक ठीक दिखेंगे, वैसे वो भी ठीक है, बट आप ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। ओके, अगर बात करें यहाँ पर और किस चीज़ की बात करें, कि हाँ शादी के बाद आपका रहने कैसे वाला है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, आप दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो, संभले हुए भी हो, मेच्योर भी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है आप में चीज़ों को लेकर, मतलब आप अपने रिश्ते को निभाना जानते हो अच्छे से। आपके बीच में कुछ मुझे यहाँ पे टैंट्रम्स या ईगो वगैरह नहीं दिखाई दे रही विद योर पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर भी है ना वो भी बड़े सिंपल से हैं, कि ठीक है देखो जॉब करना है, पैसा कमाना है, फिर उसके बाद पैसा सेव करना है, बाकी पैसा खर्च करना है, घूमना है इधर उधर, और पार्टी करनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक सिंपल जैसे इंसान सोचता है अपनी लाइफ में, और वैसे ही आपकी थिंकिंग है, आपको भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है, पैसा कमाना है, खर्चा करना है, मजे करने हैं, ऐश करनी है, तो उसी तरीके का दिखता है यहाँ पर। एक सिंपल लाइफ जीने वाले हो, एक सिंपल रूटीन होने वाला है आपका आफ्टर मैरिज, और उसमें ज़्यादा चिक चिक मुझे नहीं दिखाई देती विद योर पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। हो सकता है कि मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पिक्चर में जैसे आप हो, आपके पार्टनर हो, आपके 2 बच्चे और आपके फिर पेट्स भी हो सकता है आप लोग पेट रखें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो पेट्स रखना, जैसे मेरा भी कितने टाइम से बहुत मन है, शादी से पहले तो वैसे मेरे पास थे, मतलब हमारे पास थे, अभी भी हैं, वो हमारे घर में 2 पेट्स हैं, रॉनी और रॉकी, और हमेशा से बहुत सारे रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले टॉमी था, फिर स्कूबी था, फिर ब्रूनो भी है, ब्रूनो भी था, फिर रॉकी, और अब फिर रोनी भी है, और हर टाइम पे 2 जने तो रहे हैं, मतलब अकेले तो सिर्फ टॉमी था, उसके बाद से हमेशा 2 2 रहे हैं, एक टाइम पे तो 3 3 थे, मतलब जब स्कूबी था तब रॉकी भी था और ब्रूनो भी था, फिर स्कूबी चला गया, फिर रॉनी और सॉरी रॉकी और ब्रूनो रह गया था, और अब ब्रूनो भी चला गया, अब रॉकी और रॉनी है, और अच्छा तो नहीं लगता, बट अब रॉकी के जाने का भी टाइम थोड़ा जल्दी आने वाला है, विच इज़ वेरी सैड, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि लोग जल्दी चले जाते हैं, यू नो उनका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो यार दिस मेक्स मी सो ओल्ड, पता नहीं मैंने कितने सारे डॉगीज को जाते हुए देख लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं यार, ये साथ में रखे हुए थे ना, इसलिए जल्दी जल्दी चले गए, बड़ा अजीब है, चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन काफ़ी टाइम से मैं जैसे अपने, वैसे मैं शादी से पहले ही सोच रही थी, क्योंकि मैं अलग रहती थी अपनी फैमिली से शादी से पहले भी, तो तभी मैं सोच रही थी कि
के रख लेना चाहिए, मुझे एक होना चाहिए पेट। लेकिन क्योंकि मैं जॉब के टाइम पे बाहर रहती हूँ तो मुझे लगता था मैं अकेली हूँ तो कैसे संभालेंगे उसको। अभी मैं अपने हस्बैंड को बोलती तो हूँ कि हम एक पेट रख लेते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा पपी लेके आते हैं, बट ही डजंट लाइक पेट्स एट ऑल। सो उनको इतने पसंद नहीं है और वो यही बोलते हैं कि कौन इतना तामझाम सहन करेगा, झेलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं उनसे फिर बहुत सारा काम कराने वाली हूँ उसका। सो इसीलिए पर शायद चलो जो भी है, पर मेरा मन तो बहुत है। तो हो सकता है इस तरह से आपके जो पार्टनर है वो डॉग लवर या कैट लवर वगैरह या पेट लवर हो सकते हैं और वो रखे भी, पर अच्छा लगता है यार, अच्छे लगते हैं, रखने चाहिए, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। मतलब एक पेट को जीवन मिल जाता है, अच्छा फैमिली मिल जाती है, प्यार मिल जाता है उनको। वैसे भी प्यार के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं होता, और इंसान को भी ना लॉयल फ्रेंड मिल जाता है अपनी लाइफ में। तो हो सके तो रख सकते हो, नहीं तो स्ट्रे एनिमल्स हैं बहुत, और भी डॉग शेल्टर्स हैं, पैट शेल्टर्स होते हैं, मतलब इस तरह के एनिमल शेल्टर्स होते हैं, वहाँ जाके कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हो, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा वो भी आपके लिए। मतलब ये एक रेमेडी के जैसे भी यूज कर सकते हो उसको, और वैसे भी यूज कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बोलूंगी आपको कि खुश रहा करो, खुश रहने की कोशिश करा करो। बहुत ज़्यादा परेशान वरेशान दिख रहे हो यहाँ पे मुझे, तो कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं। खुश रहो, मस्त रहो, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि वे चल रहा है, 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी 11,000 सब्सक्राइबर होते हुए। इतने दिन हो गए, मतलब हम 11,000 के अराउंड घूमे जा रहे हैं, लेकिन 11,000 पूरे नहीं हुए हैं। मतलब होते हैं फिर कम हो जाते हैं, होते हैं फिर कम हो जाते हैं। सो ऐसे कैसे गिव अवे अनाउंस होगा ना, तो इनको बनाए रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एफर्मेशन लिख रहे हैं, तो आई मैनिफेस्ट माय पार्टनर टू बी ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग, रिच, अबंडेंट, सेक्सी, व्हाटएवर यू वांट, वो मैनिफेस्ट करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो का। और सब्सक्राइब करने का मतलब जो गिव अवे का है वो बहुत ही सिंपल से 2 रूल है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक शेयर तो कर ही दोगे आप, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि आपने दोनों चीजें कर ली हैं। और फिर 3 लकी विनर्स को मिलेंगी फ्री रीडिंग, और होपफुली हम कल ही अनाउंस करें रीडिंग के विनर्स को। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लव यू, बाय बाय।